टीम इंडिया ने दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत। भारत ने न्यूजीलैंड को 372 रनों से हराया। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन आप भी अगर टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। भारत ने मुंबई के वानखेड़े मैदान पर कीवी टीम को दूसरे मैच में 372 रनों से हराकर ये टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली है। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। आज के दिन की शुरुआत से ही जयंत यादव ने विकेट लेना शुरू कर दिया। एक ही टप्पे पर गेंदबाजी करते रहे कीवी बल्लेबाज आउट होते चले गए। कीवी टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो मिचेल निकोलस ने ही कुछ दम दिखाया। भारत की अभी तक की सबसे बड़ी जीत है। सभी खिलाड़ियों ने शानदार काम करके दिखाया है। लाल मिट्टी के ग्राउंड का यूज भारतीय गेंदबाजों ने अच्छे से किया। भारत ने इस दूसरे मैच में पिच से जो मदद मिली है उसका शानदार फायदा उठाया है। हालांकि एजाज पटेल ने भारत की पहली पारी के सभी विकेट लेकर रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी, लेकिन जवाब में भारत के गेंदबाज गेंदबाजी करने आए तो वो भी कहां पीछे रहने वाले थे। किसी भी विदेशी टीम को सबसे कम रन के स्कोर पर ऑल आउट टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कर दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 325 रनों का बड़ा स्कोर बनाया था। टीम इंडिया की तरफ से मयंक अग्रवाल ने शानदार 150 रन बनाए थे। वहीं न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 62 रनों पर ही सिमट गई। दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 276 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड सिर्फ 167 रन ही बना पाई। भारतीय टीम के लिए ये रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 337 रनों से 2015 में हराया था। उससे पहले न्यूजीलैंड को 321 रनों से 2016 में हराया था। रनों के हिसाब से भी यह भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत है। अपने इस बड़ी जीत के साथ भारत टेस्ट में नंबर वन की कुर्सी पर आ गया है। न्यूजीलैंड ने ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को हराकर नंबर एक पर कब्जा किया था, यानी भारत ने इसका बदला कीवी टीम से ले लिया है। रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर जयंत यादव ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। दूसरी पारी में अश्विन को 4 विकेट मिले, जयंत यादव को भी 4 विकेट मिले। खास बात यह रही कि जयंत यादव के 4 विकेट मुंबई टेस्ट के चौथे दिन आए, जो मैच का आखिरी दिन साबित हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।